इंडियन गवर्नमेंट IIF के मेगा इंडिजिनस अपग्रेडेशन प्लान, जिसके अंडर रशियन ओरिजिन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाना है, इस प्रोजेक्ट को फिनिशिंग टच देने के प्रोसेस में है। डिफेंस मिनिस्ट्री इस मेजर अपग्रेडेशन प्रोग्राम के लिए ड्राफ्ट नोट को फाइनलाइज कर चुकी है, जिसके बाद इस प्रपोजल को अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के समक्ष रखा जाएगा। CCS अप्रूवल स्टेज एक बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें डिफेंस के मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड सैंक्शनिंग की जाती है, जिसके बाद ही टेंडरिंग प्रोसेस शुरू होता है। रूटीन या स्मॉल टू मीडियम बजट प्रोजेक्ट्स को रक्षा मंत्री की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही अप्रूव करती है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर 84 सुखोईस के बैच को अपग्रेड किया जाएगा, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट करीब 65,000 करोड़ होगी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेडेशन होगी, जिसमें रडार, एवियोनिक्स, वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स में एडवांसमेंट्स की जाएंगी। जैसे कि रडार की बात करें, सुखोईस को नए इंडिजिनस एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार AESA रडार विरूपक्षा से इक्विप किया जाएगा, जिसकी एनिमी एयरक्राफ्ट की डिटेक्शन रेंज एग्जिस्टिंग रशियन रडार के मुकाबले करीब 1.5 गुना ज़्यादा होगी। इसके बाद इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम में सुखोईस की वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी में चेंजेस किए जाएंगे, जिससे ये एडवांस्ड एंड लॉन्गर रेंज मिसाइल्स जैसे कि अस्त्र Mk3 एयर टू एयर मिसाइल और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। अभी करंटली IIF अस्त्र Mk1 मिसाइल्स को इंडक्ट कर रही है, जिसकी टारगेट रेंज 100 किलोमीटर तक की है, और अस्त्र Mk2 और अस्त्र Mk3 अभी ट्रायल्स फेस में है। Mk2 की रेंज 160 किलोमीटर बताई जा रही है, बट DRDO के अकॉर्डिंग अस्त्र Mk3 मिसाइल 350 किलोमीटर्स की बियॉन्ड विजुअल रेंज के साथ ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करने में कैपेबल होगी। इसके अलावा फ्लाई बाय वायर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेडेशन जैसी चीज़ें हैं, जिसमें बेटर एल्गोरिदम वाले नए मिशन कंप्यूटर्स फिट किए जाएंगे। और इसमें खास बात यह है कि ये सारे सिस्टम्स इंडिजिनस होंगे। ओवरऑल 51 सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाना है, जिसमें से 30 HAL, 13 DRDO और 8 प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। बट इस अपग्रेडेशन में एक इम्पॉर्टेंट मिस रहने वाला है, वो है इंजन्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली सुखोईस की इंजन रिप्लेसमेंट नहीं होगी, बट इस कंप्लीट अपग्रेडेशन के बाद अपग्रेडेड सुपर सुखोईस की कैपेबिलिटीज 5th जनरेशन फाइटर्स के करीब होंगी, सिवाय स्टेल्थ और थ्रस्ट के। आगे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस के बारे में। नाउ CCS की सैंक्शन के बाद इसके लिए HAL को टेंडर इशू किया जाएगा, फिर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट के बाद डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें फुली अपग्रेडेड सुखोई के प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाएगा। देन ट्रायल्स और फ्लाइट टेस्टिंग के बाद एयरक्राफ्ट्स की एक्चुअल अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग प्रोसेस में करीब 7 साल का समय लगेगा, और कंप्लीट अपग्रेडेशन के बाद 84 सुखोईस की IIF में इंडक्शन में CCS की अप्रूवल के बाद 15 साल का समय लग सकता है, यानी डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग के बाद 7 से 8 साल का टाइम। प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, पर यह प्रोजेक्ट IIF के सुखोईस को एक नया रूप देगा और नई टेक्नोलॉजीज और एडवांस्ड वेपन्स इसको पहले के मुकाबले एक मोर लीथल एयरक्राफ्ट बनाएंगी। इसके अलावा इसमें मैंड अनमैंड टीमिंग कैपेबिलिटी को भी ऐड किया जाएगा, जो एयरक्राफ्ट्स को AI और डेटा लिंक्स के जरिए कॉन्सर्ट ऑपरेशंस में ऑटोनॉमस ड्रोन्स के साथ ऑपरेट करने में कैपेबल बनाएंगी, और इससे मिशन की इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। IIF के सुखोई 30s की बात करें तो करंटली 260 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है, जिसमें से मेजॉरिटी सुखोईस को इंडिया में असेंबल किया गया है, और सुखोईस के नंबर से हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट फ्लीट की एक तरह की रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद IIF 12 और सुखोईस को प्रोक्योर करने जा रही है, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री लास्ट ईयर HAL को टेंडर इशू कर चुकी है, बट फाइनल कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग है। और इन एडिशनल सुखोईस को पिछले 2 दशक में हुए क्रैशेस के दौरान लॉस्ट सुखोईस के वॉइड को फिल करने के लिए एक्वायर किया जा रहा है, जिससे IIF की 272 सुखोईस की सैंक्शनड फ्लीट कम्प्लीटली रिस्टोर हो जाएगी। सो सुखोईस के लार्ज नंबर्स को देखते हुए IIF के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन 4.5th जनरेशन फाइटर्स की सर्विस लाइफ 20 साल तक इंक्रीज होगी, और ये फाइटर्स IIF की सर्विस में कम से कम 2055 और 2060 तक ऑपरेट करेंगे, और जब तक ये 84 सुखोईस का बैच अपग्रेड होगा, तब तक इंडिया के पास अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड 5th जनरेशन फाइटर AMCA भी मौजूद होगा,
जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा। और अगर उस टाइम पर IAF के कोई फर्दर अपग्रेडेशन प्लान्स होते हैं तो उन टेक्नोलॉजीज़ को सुखोईज़ के नेक्स्ट बैच की अपग्रेडेशन में भी यूज़ किया जा सकता है।